हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास का। ये सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर टू है इकोनॉमिक्स का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो हाफ ईयरली है वो ऑब्जेक्टिव्स होना है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले समझने की बात है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। देखो, इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं तो जो भी इंडिया के अंदर में जो इसकी करेंसी है, जो इसके नोट्स हैं, ये सभी चीज़ को हम लोग इंडियन करेंसी के अंदर में इंडियन इकोनॉमी के अंदर रखा जाता है। जो भी ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो करेंसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी सेक्टर्स के अंदर में आता है, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आता है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि हम लोग वैसा प्रत्येक एक्टिविटी की बात यहाँ पे करेंगे जिसका मेनली मकसद होता है पैसा कमाना, इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में रखते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि जो भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग, है ना, जो भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे उसको दो भागों में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहा जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, टू अर्न मनी और या अर्न लाइवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, चलिए दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसा एक्टिविटी जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, या फिर इसको कह सकते हो कि इंजॉयमेंट के लिए करते हैं सर, या फिर इसको हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमको प्लेजर मिले, खुशी मिले, तो ऐसे को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेनली क्या होगा, इंटरटेनमेंट। जब हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंटरटेनमेंट की तब ये आएगा क्या, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब देखो क्या करना है कि जब ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम समझ लिए तो आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होता है, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है, उसको तीन ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर से इसको बांटेंगे हम लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और बाद में इसको फिर से हम लोग देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो चलिए आगे इसको एक एक स्लाइड करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिलेगा कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है सर, ये वैसे इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है जिसमें हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेस को प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में कंसिडर करना पड़ेगा। दिस सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ नेचर। ये जो सेक्टर्स होता है ये नेचर के द्वारा डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं या एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर या एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर। तो इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर। आगे आते हैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं, इट इज द सेक्टर इन विच दोज एक्टिविटी डेट क्रिएट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इज टर्म एज सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए, प्राइमरी प्रोडक्ट जो आपके मिले उसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उसको कंजप्शन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और प्रोसेसिंग उसको करते हैं। इस प्रोसेसिंग को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सभी कंसीडर किया जाता है। अब आता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज होता है किसमें, अदर फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, जैसे फैक्ट्री और वर्कशॉप, होम। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं अपने यूज के लिए। इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, और इसीलिए
यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि विच सेक्टर इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में वैसे एक्टिविटी को इंगेज किया जाता है जिसका काम है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, है ना, इसी को हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। अगर देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर को समझने के लिए आपको पता चलेगा कि टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे प्रोवाइड सर्विस डेट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्सरी एक्टिविटी जो है वो बहुत सारे एसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, यानी एसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने के कारण इसको हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं। इस सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर, टीचर, बार्बर, ये सभी प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। टर्सरी सेक्टर जो है हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, जैसे ATM बूथ, है ना, BPO यानी बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, KPO यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और ये जो सभी कॉल सेंटर होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं, इस तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे, है ना, और इस कंपेयर में हम लोग देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स इंटर डिपेंडेंस में अगर हम देखें तो क्या पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो क्या पता चलता है हमको कि सर देखिए, अगर हमको कॉटन लगाना है तो आपको प्राइमरी सेक्टर से कॉटन मिल जाएगा, आप इसको क्या करते हैं, इस कॉटन को कन्वर्ट करते हैं थ्रेड में, ये सेकेंडरी सेक्टर का प्रोसेस है, और थ्रेड से बनाते हैं टर्सरी सेक्टर में इसके क्लॉथ, और ये क्लॉथ का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, है ना। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम लोग इस स्लाइड में हैं तो क्या पता चलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट रखे बने हुए हैं, है ना, जैसे मान लेते ये जो क्लॉथ है, ये जो क्लॉथ है, है ना, इस क्लॉथ के फॉर्मेशन में क्या है, इस थ्रेड का भी रोल है, इस कॉटन का भी रोल है, यानी इस कॉटन और थ्रेड के प्रोसेसिंग के बाद ये जो क्लॉथ है वो हमारा फाइनल गुड्स है, है ना, ये क्या है, फाइनल गुड्स है, है ना, ये फाइनल गुड्स के अंदर में आएगा। तो इसी को हम लोग इससे यहाँ पे समझेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स और सर्विस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। इसका मतलब है कि अब आप इसको प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में नहीं डालेंगे, यानी फाइनल गुड्स का मतलब ये हो गया कि जब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होकर के हमारे पास वो प्रोडक्ट आते हैं तो हम उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, यही है हमारा फाइनल गुड्स। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें किसी बिस्किट का वैल्यू काउंट करना है, है ना, अगर हम मान लीजिए एक बिस्किट है, इसका वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको फ्लोर का वैल्यू, उसके बाद वीट का वैल्यू, ये सभी उसमें ऐड करते हुए, है ना, जब अंतिम में हमको जो मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे MRP, इसी को क्या कहा जाता है, MRP, ठीक। चलिए अब हमको पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि GDP कहा जाता है। यानी इसको समझने के लिए क्या करना है कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग ऑल द थ्री सेक्टर इन ए पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी एक साल में कितने अमाउंट का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर दिया है, कितने अमाउंट का प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर दिया, और कितने का टर्सरी सेक्टर दिया है, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो इस यही कहलाता है GDP, है ना। और GDP को कैलकुलेट कौन करता है, तो GDP इज कैलकुलेटेड इन इंडिया बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको CSO कहते हैं, जो कि काम करता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, यहां से तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। देखिए लिखा हुआ है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये किसके अंडर में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है ये,
तो NSSO जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेटिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलरली कंडक्ट करती है सर्वे, और ये प्रत्येक 5 सालों में एक फिगर देती है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में कितने एम्प्लॉय है और कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है और कितने के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब ये क्या करता है, एक एम्प्लॉयमेंट डाटा हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है जिसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये ग्राफ को समझिए, 1973 और 74 में अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर का अगर सम निकाला जाए तो क्या पता चलता है हम लोगों को, ये जो सम है सर वो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है ना। लेकिन यही 2013-14 की अगर बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको ये टर्सरी सेक्टर में दिख रहा है, ये टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में कम ग्रोथ है और प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत कम ग्रोथ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1973-74 की अपेक्षा इंडिया का GDP 2013-14 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात है तो टर्सरी सेक्टर जो कि हल्का ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ना, ये टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा है इन कंपेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है कि टर्सरी सेक्टर का इंपोर्टेंस क्यों बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे इस स्लाइड में हम लोग। देखिए टर्सरी सेक्टर का इंपोर्टेंस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि डिमांड बढ़ा है बेसिक चीज़ों का सर। देखिए जब GDP बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आम आदमी के जीवन में पैसा आया है, और जब आम आदमी के ज़िंदगी में पैसा आएगा तो क्या होगा, उसको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, पोस्टल सर्विस होंगे, पुलिस होगा है ना, पुलिस स्टेशन, ये सब की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और जब ये सब का संख्या बढ़ेगा तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक इसी तरीके से डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो डिमांड, सर्विस का डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड ये दोनों में इम्प्लीमेंटेशन आए। साथ ही साथ अगर किसी आदमी का इनकम बढ़ता है तो उसकी लाइफ भी बेटर हो जाती है ना, जिसके कारण टूरिज्म सेक्टर काम करने लगेगा, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, ये सभी चीज़ें आने लगेगी। और अंतिम में जो सबसे इसका मेन काम है वो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ने से बहुत सारे चीज़ें बढ़ी है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों के बढ़ने से हमने क्या देखा है कि हाल फिलहाल के समय में सर टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है ना बूम किया है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो GDP का 20% हिस्सा देता है ना, जो कि 70 साल पहले, आज़ादी के 70 साल पहले इसमें 50%, आज़ादी के 70 साल बाद भी ये टोटल कंट्रीब्यूशन GDP में 20% है, जबकि आज भी 50 से 60% लोग इसमें डायरेक्टली इंगेज होते हैं, जहाँ की आपको देखने को मिलेगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल पाया है, जिसके कारण मैक्सिमम लोग आज के समय में भी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे प्राइमरी सेक्टर के ऐसे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी हमने बात किया था। अब देखो अगर ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं तो ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब क्या होता है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंगेज हैं रिक्वायर्ड की अपेक्षा है ना। रिक्वायरमेंट 5 लोगों का है और इंगेज 20 लोग हैं, तो 15 लोग जो होंगे वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल होंगे, और ये एग्रीकल्चर में खूब देखने को मिलता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अर्बन एरिया में भी देखने को मिलता है ना, जैसे बहुत सारे कैजुअल्स लेबर हैं वो डेली वर्क उनको मिलता है, किसी दिन मिलेगा भी किसी दिन नहीं भी मिलेगा, जैसे प्लम्बर, पेंटर, क्राफ्टमैन, कारपेंटर, ये सभी। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो टर्सरी सेक्टर में धीरे 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 करके बढ़ता, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ता जा रहा है, ये लगभग 3 गुना बढ़ा है आज़ादी के बाद है ना। तो इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और आज का क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है ना, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे।
सबसे पहली बात है कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एंड इन इंस्टीट्यूशनल मेजर्ड। क्या क्या जरूरत है? जैसे सबसे पहले टेक्निकल फैसिलिटी बढ़ाना होगा, जैसे इरिगेशन, हाइब्रिड सीड, अवेयरनेस अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग, है ना, इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन फोर्स इन एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में क्या देना होगा कि वैसे लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं उनको एक अच्छा मार्केट मिले, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वेयर हाउस खुले जहाँ स्टोरेज किया जा सकता हो। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर। एलाइड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि एक एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई दूसरा साधन भी उसको मिलना चाहिए। जैसे फार्मर को इंकरेज करना चाहिए क्या क्या एग्रीकल्चर के साथ साथ पीसी कल्चर करने को, हॉर्टिकल्चर करने को और एनिमल हस्बेंड्री करने को, बी कीपिंग करने को। तो अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सब चीज़ें होती है तो उस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बैंक क्रेडिट की, है ना। किसान के पास आज अगर मॉडर्न फार्मिंग करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण उनको चीज़ें महंगी मिलती है, और महंगा मिलने के कारण क्या है कि उनके पास पैसा होता नहीं। इसलिए उनको बैंक को चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गाँव में बैंक को बनाए, और जब बैंक बन जाए तो वहाँ से वो छोटे छोटे किसान को भी अच्छे अमाउंट में क्या करें, लोन इशू करें, है ना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जितनी भी बातें होती है वो सब शहरों के लिए होती है। रूरल एरियाज में रोड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, वेयर हाउस, मार्केट, ये सब नहीं होने के कारण गांव के जो प्रोडक्शन है वो शहर पहुंचते पहुंचते बहुत अमाउंट में बर्बाद होते हैं, जिसका डायरेक्टली असर पड़ता है किसानों पर। और उसके बाद है एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। अगर हेल्थ कंडीशन गांव में सुधार दिया जाए तो वहां पे एडिशनल जॉब क्रिएट किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रामीण एरिया में शिफ्ट किया जाए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां बढ़ती है। और टूरिज्म तो बात ही मतलब मत पूछा जाए। टूरिज्म जो है वो भारत में 35 लाख जॉब प्रत्येक साल क्रिएट करता है। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगले क्लास में हम लोग नरेगा के बारे में समझेंगे, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।